नमस्कार, मैं हूं आर के रोशन। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पे। बीते सप्ताह भर से बाढ़ की त्रासदी झेल रही जनता के बीच अब जाकर विमान से राहत देने का फैसला लिया गया है। एयरफोर्स की टीम को राहत का काम सौंपा गया है। इससे 10 लाख की आबादी को लाभ मिल सकेगा। बिहार की राजधानी से जब निकली कराह तो तिलमिला गई सरकार और कोरोना संक्रमण के मामले में इलाज का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। अब बिहार की गिनती 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में होने लगी है। सरकारी स्तर पर ऐसा पहली बार होगा कि विधानसभा का सत्र अन्यत्र होगा। खबरों के मुताबिक स्थानीय ज्ञान भवन में सदन की एक दिवसीय सत्र की कार्यवाही होगी। पटना महावीर मंदिर अपने प्रिय रामलला के लिए सोने की दिव्य मूर्ति बना पाने में समर्थ हो सकता है। जी हाँ, यह सच है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सभी तरह से पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट तैयार है। कल यानी रविवार को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। व्यक्तिगत सुझाव से युक्त प्रसारण का यह 67वां अंश होगा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख से अधिक हो गई है। कोरोना से लगभग 31,000 लोगों की मौत ने देश की व्यवस्था को झकझोर दिया है। मानसून से जुड़ी सूचना के अनुसार अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऐलान किया गया है। पटना समेत निकटवर्ती क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पटना नगर निगम में सब कुछ सामान्य तौर पर हो जाने का भले ही दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। वर्तमान मेयर गुट ने बहुमत के दावे के साथ बेहतर माहौल के प्रति अपनी बात कही है, लेकिन विपक्षी अपनी एकता और एकजुटता पर कायम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक कोरोना के साथ साथ बिहार में बाढ़ की स्थिति से निपटारा के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स 2 दिनों में बना ली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शैली है काम करते रहने की और इसी क्रम में वे जन समस्याओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील भी हैं। जदयू नेता और दल के प्रवक्ता संजय सिंह ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी आपदा पीड़ित भूखा नहीं रह सकता। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।